अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी कि जीजीएम का बंद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज 19वें दिन भी जीजीएम का धरना प्रदर्शन जारी है। जीजीएम के धरना प्रदर्शन से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, दुकानें बंद होने से लोग परेशान हैं, साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जीजीएम ने कहा कि सुरक्षा बलों को हटाए जाने तक दार्जिलिंग की पहाड़ियों में कई दिनों से जो ये अनिश्चितकाल बंद चल रहा है वो चलता रहेगा। तो बंद की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जीजीएम की तरफ से मांग की जा रही है अलग गोरखालैंड की, लेकिन सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ जीजीएम की तरफ से भी ये अनिश्चितकालीन बंद किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले बहुत रौनक चलता था यहाँ पर, टूरिस्ट लोग चलता था अच्छा से, यहाँ पर आदमी लोग आने जाने चलता था, टूरिस्ट लोग आने जाने चलता था। अभी तो सब तो सूखा हो गया, कोई ऐसा रौनक नहीं यहाँ पर। एक्चुअली ममता बनर्जी इज लूजिंग, क्योंकि वो जो फायरिंग का टाइम था ना, वो अगर प्रोसेशन को ऐसे ही चलने देता तो कुछ भी नहीं होता। आदमी जाता वो नीचे पतले बस तक जाता, थोड़ा नाराबाजी करता और फिर आ जाता। एक्चुअली ममता बनर्जी इज प्लेइंग इन टू द हैंड्स ऑफ यू नो लाइक द गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, बिकॉज आफ्टर दैट द होल सिनारियो हैज चेंज्ड।